नोएडा के सेक्टर 72 स्थित आम्रपाली आदर्श आवास योजना, जिसका नाम बदलकर क्रिस्टल होम्स कर दिया गया है, को सन 2014 में पहले से उसी जमीन पर चल रही किसी और योजना का नाम बदलकर सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। जबकि उसी जमीन पर पहले से चल रही योजना क्रिस्टल होम्स समाप्त भी नहीं हुआ था। यह तीसरा मौका है जब इस पूरी परियोजना का नाम सिर्फ ग्राहकों को भ्रमित कर पैसे ऐंठने के मकसद से बदला गया है। हम इस समय मौजूद हैं आम्रपाली की आदर्श आवास योजना की साइट पर, जिसका नाम बदलकर अब क्रिस्टल होम्स हो चुका है। क्रिस्टल होम्स की इस साइट के ऊपर अब लोगों से नई तरीके से, नई सिरे से बुकिंग की जा रही है। आम्रपाली के 2011 में लॉन्च प्रोजेक्ट क्रिस्टल होम को शुरू हुए अब तकरीबन 6.5 साल हो गए हैं, पर अभी भी इसका कार्य पूरा नहीं हो सका है और अपने घर का इंतजार कर रहे लोग अब भी देश की कानून व्यवस्था और सरकार दोनों से गुहार लगा रहे हैं। पहले 2012 में इस योजना को क्रिस्टल होम्स के नाम से लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसे 2012 के बाद सन 2014 में आदर्श आवास योजना कर दिया गया और अब फिर से पलटकर क्रिस्टल होम्स। नाम बदलने की इस पूरी षड्यंत्र के अंदर न जाने कितने लोग अभी तक अपने घर नहीं पा सके हैं। अब देखने की बात यह है कि आम्रपाली कब तक लोगों को उनके घर देता है और उनके पैसों के साथ इंसाफ करता है। We'll be right back.